Hello everyone, welcome to Avision Institute and I welcome you all to our YouTube channel. This is Pallavi Dash and I am your friend and guide. I guide you every day with top 10 vocabulary words that are extracted from the Hindu editorials. So like every day I am again here with top 10 vocabulary words जिसको extract किया गया है the Hindu editorials से, the Hindu newspaper से, जिन top 10 vocabulary words को निकाला गया है. लाइक एवरी डे हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ, मोटिवेशनल लाइन के साथ. सो लेट अस सी व्हाट इज़ आवर मोटिवेशन फॉर टुडे. एंड बिफोर दैट अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल. आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं. वेरी गुड मॉर्निंग. आई होप यू ऑल आर वेल. आशा करते हैं कि सब अच्छे हैं, आप सब अच्छे हैं, आप सबका तबीयत भी ठीक है. And you all are back to work and back to your normal living, right? So everything is slowly everything is trying to be normal and we hope ki hum log fir se ek normal life lead karenge jaise ki pehle lead karte the, right? So with this let us start our session. Let us see what is our motivation for today. So the what is our motivation for today? Let's see. Let me read it out. Let me read the sentence for you. What is our motivation for today? If you want to make an easy job seem mighty hard, just keep putting off doing it. तो ये जो sentence है, ये जो आप जो phrase देख रहे हो, जो sentence देख रहे हो, जो line देख रहे हो, this is a very meaningful line. If I tell you guys, this is a very meaningful line. So meaningful kya hai is line mein? Let us understand that in Hindi. If you want to make an easy job seem mighty hard, matlab agar aap chahte ho ki aap ek easy job ko mighty hard banana chahte ho, to aapko agar lagta hai ki ye kaam to bahut easy hai, main ek minute mein kar lunga, okay? लेकिन अगर आपको उस इजी काम को ही माइटी हार्ड बनाना है, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट बनाना है, तो आप एक काम करके देखो. जस्ट कीप पुटिंग ऑफ डूइंग इट, मतलब बस आप उसको रख दो, करो मत, राइट? सो बस आप उसको रख दो, ठीक है, एक मिनट का काम है, कल करेंगे, ओके? अब ये कल परसों करेंगे, तरसों करेंगे, ऐसे करते करते एक मिनट का तो काम है कल करेंगे, एक मिनट का काम है दो तारीख करेंगे, एक मिनट का काम है पाँच तारीख करेंगे, ओके? जस्ट कीप पुटिंग ऑफ डूइंग इट. बस आप उसको टालते जाओ, टालते जाओ, टालते जाओ, जैसे हम लोग करते हैं बहुत से छोटे कामों के लिए कि उसको रख देते हैं, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे. अब वो बाद में जाके इतना वो डिले हो चुका है कि वो हमारा हेडेक बन जाता है कि इतना बड़ा कब काम ये बन गया, क्योंकि आप एक महीने से उसको पोस्टपोन कर रहे हो, दो महीने से उसको पोस्टपोन कर रहे हो, लेकिन आपको लगा ही नहीं कब दो महीने बीत गए, कब एक महीना बीत गया, कब आपका टाइम ओवर हो गया, कब आपका डेट ओवर हो गया, लास्ट डेट ओवर हो गया, ओके? सो दैट इज़ समथिंग कि आपका ईजी काम भी आपका हेडेक बन सकता है, जिसको आप समझते हो कि आप एक मिनट में ये काम कर लोगे, वो काम ही आपका हेडेक बन जाएगा दो महीने बाद, ओके? सो व्हाट इज़ आवर मोटिवेशन फॉर टुडे? हमारा मोटिवेशन क्या है? डू नॉट पोस्टपोन और डू नॉट डिले एनी वर्क अननेसेसरीली. तो कोई चीज़ को अननेसेसरीली डिले ना करे. डिलेइंग और पोस्टपोनिंग इज जस्ट फॉर इमरजेंसी सिचुएशंस. इमरजेंसी सिचुएशन में बस अपने काम को डिले कीजिए, बस पोस्टपोन कीजिए इमरजेंसी कंडीशंस पे. इमरजेंसी के अलावा अपने काम को अगर आप डिले करते हो, पोस्टपोन करते हो, तो आप यू आर रिलक्टेंट इन डूइंग दैट वर्क, ओके? तो आप लेजी हो, तो आप रिलक्टेंट हो. यू नीड टू सी इनसाइड योर सेल्फ. तब आपको अपनी काउंसलिंग की ज़रूरत है, अपने आप अपने अंदर देखने की ज़रूरत है, आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आपके अंदर खामी क्या है, प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि आप इतना डिले कर रहे हो वर्क और छोटा छोटा काम जो है वो बड़ा बनते जा रहा है, ओके? एंड दैट इज़ बिकमिंग अ हेडेक.
जिस काम को हेडेक बनने लायक कुछ है ही नहीं, जिस काम के अंदर आप उसको रख रख के हेडेक बना रहे हो अपना. ओके, सो विद दिस मोटिवेशन फॉर टुडे, लेट अस सी व्हाट इज आवर सेशन, लेट अस लुक एट आवर फर्स्ट वर्ड. ऑल राइट, सो लेट अस लुक एट आवर फर्स्ट वर्ड. व्हाट इज आवर फर्स्ट वर्ड? आवर फर्स्ट वर्ड इज ब्रेवियरी. ओके, ब्रेवियरी हमारा फर्स्ट वर्ड है. ब्रेवियरी क्या है? ब्रेवियरी एक नाउन है. ब्रेवियरी का हिंदी मीनिंग क्या होता है? सारांश. ब्रेवियरी का हिंदी मीनिंग होता है सारांश. ओके, इन इंग्लिश यू कैन से अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ द मेन पॉइंट्स. तो सारांश का मीनिंग तो हम लोग जानते हैं कि मेन पॉइंट्स का एक छोटा सा शॉर्ट स्टेटमेंट लिखना, दैट इज कॉल्ड सारांश. वी ऑफन राइट स्टोरी में हम लोग लिखते हैं, वी ऑफन राइट मॉरल ऑफ द स्टोरी, राइट? सो व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? व्हाट इज द थिंग दैट यू लर्नड आफ्टर रीडिंग द स्टोरी? दैट इज कॉल्ड अ ब्रेवियरी. ऑल राइट, सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं समरी, encapsulation, outline, these can be the synonyms. Antonyms can be enlargement, expansion, amplification, these can be the antonyms of bravery. Now how to use it in a sentence? Let's see bravery ko sentence mein kaise use karenge. As Joe got out his bravery for evening prayers, he heard footsteps at his doorway. तो जब जो ने अपने इवनिंग प्रेयर्स के लिए अपने ब्रेवरी को बाहर निकाला, दैट मीन्स ही गॉट आउट अ समरी और ही गॉट आउट एन आउटलाइन और सारांश और ऑफ द इवनिंग प्रेयर्स, मतलब जो शाम को उसको प्रेयर्स बोलने थे, उसके ब्रेवरी को जब उसने बाहर निकाला, ही हर्ड फुटस्टेप्स एट हिज डोरवे. तो उसके डोरवे में, दरवाजे के पास, उसको कुछ फुटस्टेप्स सुनाई दिए, मतलब पैरों की आवाज़ उसको सुनाई दिए. ओके, लेट अस सी व्हाट इज आवर सेकंड वर्ड. आवर सेकंड वोकैब इज रेप्रोबेट. ओके, रेप्रोबेट, नॉट रेप्रोब्रेट, दैट इज अ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन. रेप्रोबेट इज अ नाउन जिसका मीनिंग हिंदी में होता है बदमाश. ओके, नाउ इन इंग्लिश यू कैन से एन अनप्रिंसिपल्ड पर्सन. तो ऐसे कोई आदमी, ऐसे कोई इंसान जिसके कोई प्रिंसिपल नहीं है ज़िंदगी का. ओके, दैट मीन्स अ वेरी अनप्रिंसिपल्ड पर्सन जिसका कोई बिहेवियर का ठिकाना नहीं है, जिसका कोई मीनिंग नहीं है लाइफ का, प्रिंसिपल नहीं है, एक ही वो रूल्स फॉलो नहीं करता है, दैट इज़ कॉल्ड रेप्रोबेट. सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं रोग, स्काउंड्रल, विलन, रेच, ये सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं. एंटोनिम्स हो सकते हैं अपराइट, वर्चुअस, प्रिंसिपल्ड, राइटियस, ये सारे हो सकते हैं एंटोनिम्स. नाउ हाउ टू यूज इट इन अ सेंटेंस, हाउ टू यूज रेप्रोबेट इन अ सेंटेंस, लेट्स सी. व्हाइल जैनिस प्रिटेंडेड टू बी अ गुड गर्ल, शी वॉज रियली अ रेप्रोबेट हु वुड डू एनीथिंग टू गेट वॉट शी वॉन्टेड. तो जैनिस जो है वो प्रिटेंड करती है अच्छी लड़की होने का. प्रिटेंड करती है मतलब एक्टिंग करती है. ओके, शी एक्ट्स टू दैट शी इज़ अ गुड गर्ल, ऐसा वो एक्टिंग करती है कि वो एक बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन रियली शी इज़, शी वॉज रियली अ रेप्रोबेट हु वुड डू एनीथिंग टू गेट वॉट शी वॉन्टेड. लेकिन वो सच्चाई में एक रेप्रोबेट है. रेप्रोबेट मतलब बहुत बदमाश है वो, मतलब उसको जो चीज़ चाहिए, व्हाट शी वांटेड, उसको जो चीज़ चाहिए वो पाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है. वुड डू एनीथिंग टू गेट व्हाट शी वांटेड, राइट? लेट अस सी आवर नेक्स्ट वर्ड. आवर नेक्स्ट वर्ड इज फर्लोग. ओके, यू शुड नॉट स्पेल इट LOUGH. यू शुड नॉट स्पेल इट फर्लोग, नॉट लोग, यू शुड से फर्लो. ओके, फर्लो. ओके, नॉट GH शुड नॉट बी स्पेल्ड. ऑलराइट, फर्लो इज अ नाउन. फर्लो इज अ नाउन जिसका मीनिंग हिंदी में होता है थोड़े दिन की छुट्टी. ओके, अ ब्रेक रादर. तो फर्लो को इंग्लिश में कैसे मीनिंग इसका समझ सकते हैं? लीव ऑफ एब्सेंस
तो थोड़े दिन की छुट्टी लेना, स्पेशली दैट ग्रांटेड टू अ दैट इज ग्रांटेड टू अ मेंबर ऑफ सर्विसेज और अ मिशनरी. तो जनरली फर्लो हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं, जिसको ग्रांट किया जाता है कि वो किसी सर्विस में होता है तो उसको फर्लो ग्रांट किया जाता है. ओके, मतलब लीव ऑफ एब्सेंस उसका ग्रांट किया जाता है. ओके, सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं ब्रेक, रेस्ट, रिसेस, डे ऑफ, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं. रिहायर, रिकॉल, ट्रेवल, टॉयल, ये सारे एंटोनिम्स हो सकते हैं. ओके, नाउ हाउ टू यूज फर्लो इन अ सेंटेंस. द टीचर विल बी प्लेस्ड ऑन फर्लो अंटिल द क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट हिम आर इन्वेस्टिगेटेड. तो टीचर को फर्लो में रखा जाएगा, मतलब थोड़े दिन की छुट्टी में उनको उनको एक ब्रेक में रखा जाएगा, क्योंकि उनके ऊपर कुछ क्रिमिनल चार्जेस है. वो जब तक इन्वेस्टिगेट नहीं हो जाते तो उतने दिनों तक वो फर्लो में रहेंगे, मतलब थोड़े दिन की छुट्टी में वो रहने वाले हैं. ऑलराइट, दैट इज कॉल्ड फर्लो. सो लेट अस सी, दिस इज आवर फर्स्ट ईडियम फॉर टुडे. सो गाइस, दिस वीक ऑल्सो वी आर डूइंग फूड ईडियम्स एज यू नो. सो वॉट इज इट, लेट सी वॉट इज आवर फर्स्ट ईडियम फॉर टुडे. दिस इज अगेन अ फूड ईडियम. पहला ईडियम हमारा क्या है? चीजी. ओके, तो ये चीज़ी वर्ड तो हम लोग बहुत जानते हैं, बहुत यूज़ भी करते हैं. जनरली वी वाइल स्पीकिंग ऑल्सो वी जनरली वी टेंड टू यूज़ चीज़ी वेरी ऑफन, राइट? सो वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ चीज़ी? चीज़ी का मीनिंग क्या है? चीज़ी का मीनिंग है सिली, मतलब बहुत बकवास बात. ठीक है, सिली मिस्टेक्स, मतलब छोटे छोटे मिस्टेक्स, दैट इज कॉल्ड सिली मिस्टेक्स. ओके, सिली बातें, मतलब ऐसी कोई बातें जिसका मीनिंग ही नहीं है. ओके, बकवास बातें, दैट इज कॉल्ड सिली. ओके, सो लेट अस सी हाउ टू यूज चीजी इन अ सेंटेंस. आई लव रीडिंग चीजी रोमांस नॉवेल्स बिकॉज आई डोंट हैव टू थिंक. तो चीजी रोमांस नॉवेल्स पढ़ना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि उससे ब्रेन का काम जो है वो कम हो जाता है. ओके, मुझे ज़्यादा सोचना ही नहीं पड़ता है. जैसे कि डिटेक्टिव सिनेमा देखेंगे तो ज़्यादा सोचना पड़ेगा, इसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होने वाला है. ओके, बट इफ़ यू से चीजी रोमांस, मतलब सिली रोमांटिक नॉवेल्स जो होते हैं, मतलब बिल्कुल बकवास रोमांटिक नॉवेल्स, हाँ, मतलब जो देखते देखते बोर हो जाते हैं लोग, वो देखना किसी को पसंद है. ओके, क्यों पसंद है? क्योंकि उसके लिए ज़्यादा ब्रेन में एफर्ट नहीं देना पड़ता है. वॉट इज़ आवर नेक्स्ट वर्ड? आवर नेक्स्ट वर्ड इज फ्यूड, FEUD, फ्यूड. फ्यूड क्या है? फ्यूड एक नाउन है जिसका मीनिंग हिंदी में होता है झगड़ा. ओके, इन इंग्लिश यू कैन से अ प्रोलॉन्ग्ड एंड बिटर क्वारल और डिस्प्यूट. ओके, तो बहुत दिनों से अगर कोई झगड़ा चल रहा है या डिस्प्यूट चल रहा है, दैट इज कॉल्ड अ फ्यूड. ओके, सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं ऑल्टरकेशन, कॉन्फ्लिक्ट, डिस्कॉर्ड, डिस्प्यूट. ओके, ये सारे सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं. एंटोनिम्स हो सकते हैं एकॉर्ड, एग्रीमेंट, काम, कॉनकॉर्ड, ये सारे एंटोनिम्स हो सकते हैं. नाउ हाउ टू यूज फ्यूड इन अ सेंटेंस. A feud broke out between the guys on the assembly line and management that ended in a strike. तो assembly line में जो लड़के खड़े थे उनके बीच में और management के बीच में एक feud, मतलब broke out means, मतलब शुरू हो गया, that means a झगड़ा शुरू हो गया. feud broke out and जिसका एंड रिजल्ट क्या हुआ? जो एंड हुआ एक स्ट्राइक में, मतलब झगड़ा ऐसे लिमिट तक पहुंच गया था कि एक स्ट्राइक हो गए वहाँ पे, मतलब वहाँ पे एक स्ट्राइक आ गया. ओके, सब ने मिलकर एक स्ट्राइक घोषणा कर दिया कि वहाँ पे बंद होगा अभी. ओके, व्हाट इज़ आवर नेक्स्ट वर्ड? आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ रिकैल्सिट्रेंट. रिकैल्सिट्रेंट, वॉट इज रिकैल्सिट्रेंट? रिकैल्सिट्रेंट इज़ एन एडजेक्टिव, ये एक एडजेक्टिव है. रिकैल्सिट्रेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग हिंदी में होता है आज्ञा ना मानने वाला. ओके, आज्ञा ना मानने वाला, मतलब जो बात नहीं मानता है, ही और शी इज कॉल्ड रिकैल्सिट्रेंट. नाउ लेट अस सी व्हाट इज द मीनिंग इन इंग्लिश. Having an obstinately uncooperative attitude towards authority or discipline. तो किसी का अगर बहुत अनकोऑपरेटिव एटीट्यूड हो, ही और शी इज़ कॉल्ड recalcitrant. ओके, मतलब जो कोऑपरेट करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, ही और शी इज़ कॉल्ड recalcitrant. ओके, सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं इंडोसाइल, इन
subordinate or defiant or wayward. These can be the synonyms. Antonyms can be compliant, conformable, docile, tractable. These can be the antonyms. So how to use recalcitrant in a sentence? Since his recalcitrant client was not following instructions, the lawyer had a hard time preparing a solid defense. तो क्या हुआ कि एक लॉयर के क्लाइंट है, तो वो क्लाइंट रिकैल्सिट्रेंट क्लाइंट है, मतलब वो बिल्कुल लॉयर की बात ही नहीं मानता है. ओके, सो उसका क्लाइंट ऐसा है जिसके वजह से क्लाइंट जो है रिकैल्सिट्रेंट है, वो बिल्कुल बात नहीं मानता. वो एडवोकेट जो उसको इंस्ट्रक्ट करता है वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो भी नहीं करता है. इसके वजह से क्या हुआ कि लॉयर हैड अ हार्ड टाइम प्रिपेयरिंग अ सॉलिड डिफेंस. तो एडवोकेट्स को एक सॉलिड डिफेंस तैयार करना, अगर क्लाइंट सपोर्ट ना करे तो उसको डिफेंस तैयार करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. ओके, तो क्लाइंट अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो एडवोकेट को बहुत डिफ़िकल्ट हार्डवर्क करना पड़ता है टू प्रिपेयर अ डिफेंस. ओके, ताकि वो अपने क्लाइंट को बचा सके. वॉट इज़ आवर नेक्स्ट वर्ड? आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ कल, CULL, कल. कल जो है ये एक वर्ब है जिसका मीनिंग हिंदी में होता है चुनना. ओके, इन इंग्लिश यू कैन से सिलेक्ट फ्रॉम अ लार्ज क्वांटिटी, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर से सिलेक्ट करना. ऑब्टेन फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज, तो बहुत सारे सोर्सेज से ऑब्टेन करना, दिस कैन ऑल्सो बी कल. सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं इलेक्ट, चूज, सिलेक्ट, हैंड पिक, ये सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं. एंटोनिम्स कैन बी डिस्कार्ड, रिजेक्ट, डिक्लाइन, स्पर्न, ये सारे एंटोनिम्स हो सकते हैं. हाउ टू यूज कल इन अ सेंटेंस? द टेस्ट इज एडमिनिस्टर्ड सो द स्कूल कैन कल द बेस्ट स्टूडेंट्स फॉर द गिफ्टेड प्रोग्राम. तो द टेस्ट इज एडमिनिस्टर्ड सो द स्कूल कैन कल. ओके, तो टेस्ट क्यों लाया गया है? टेस्ट क्यों एडमिनिस्टर किया गया है? ताकि स्कूल कैन कल द बेस्ट स्टूडेंट्स, स्कूल बेस्ट स्टूडेंट्स को चुन के निकाले फॉर द गिफ्टेड प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के लिए. ऑल राइट, दिस इज द मीनिंग ऑफ कल. वॉट इज आवर नेक्स्ट वोकैब? लेट्स सी. सो वी डोंट हैव अ वोकैब हियर, वी हैव आवर नेक्स्ट इडियोमैटिक एक्सप्रेशन. लेट अस सी वॉट इज आवर नेक्स्ट इडियम. सो अगेन वी हैव अनदर फूड इडियम फॉर टुडे. वॉट इज आवर सेकेंड इडियम? इट इज कूल एज कुकुम्बर. ओके, so it is cool as cucumber. What is the meaning of cool as cucumber? The meaning of cool as cucumber is very relaxed. तो बहुत relax हो जाना या बहुत relax किसी चीज़ को हम लोग cool as cucumber से बोल सकते हैं. all right, now what is, how can you use cool as cucumber in a sentence? let's see. I thought I was afraid of flying but I was cool as a cucumber all the way to England. मुझे लगा था, आई थॉट, आई वॉज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, मुझे लगा था कि मुझे फ्लाई करने से डर लगता है. दैट मीन्स आई एम अफ्रेड ऑफ सिटिंग इन एन एरोप्लेन, मुझे लगा था ऐसे. लेकिन बट आई वॉज कूल एज कुकुम्बर ऑल द वे टू इंग्लैंड, लेकिन मैं जब इंग्लैंड जा रही थी और मैं फ्लाइट के अंदर थी, आई वॉज वेरी रिलैक्स्ड, आई वॉज नॉट एट ऑल अफ्रेड. राइट, सो दिस इज द यूज ऑफ कूल एज कुकुम्बर. What is our next word? Let's see. Our next vocab is luxuriant. Okay, luxuriant जो है ये एक adjective है जिसका meaning हिंदी में होता है विलासी. Okay, in English you can say plentiful in detail or growth. मतलब जिसके पास बहुत सारे चीज़ें हो, बहुत सारे मतलब anything you have got in plenty, that is called luxuriant. Synonyms इसके हो सकते हैं dense, lush. Okay, how to, let us see the antonyms. Poor, plain, these can be the antonyms. How to use it in a sentence? An ample supply of water and great weather has produced a luxuriant garden. Luxuriant ek adjective hai. Now this is a luxuriant garden because it's before a noun. Noun ke aage use hua hai. Garden is a noun here, so that is why it's working as an adjective, right? So what is the meaning of this sentence? क्योंकि ample supply of water, तो ample supply मतलब बहुत अच्छा supply of water है, और यहाँ का weather भी बहुत अच्छा है, great weather. इसके वजह से क्या हुआ है, luxuriant एक garden बना है. all right, मतलब बहुत सुंदर garden. What is our next word? Our next word is hoard.
HOARD होर्ड। होर्ड जो है ये एक नाउन है जिसका मीनिंग हिंदी में होता है ढेर। इन इंग्लिश यू कैन से टू स्टॉक पाइल और स्टोर थिंग्स एक्सेसिवली। तो एक किसी भी चीज़ के स्टोर को जहाँ पे एक्सेसिव चीज़ें स्टोर किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड अ होर्ड। ओके, सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं एक्यूमुलेशन, हीप। एंटोनिम्स हो सकते हैं डेप्ट या फिर नीड। ऑल राइट, सो हाउ टू यूज इट इन अ सेंटेंस। आई होर्ड पेंटिंग्स फिलिंग अप ऑल माई वॉल स्पेस। तो मैंने दीवार पे, मेरे दीवार पे जितने जगह था, जितना जगह बाकी था, मैंने वहाँ पे पेंटिंग्स से पूरा भर दिया। मैंने पेंटिंग्स का ढेर लगा दिया। ओके, सो आई डिड नॉट लीव अ स्मॉल स्पेस इवन। तो मैंने पूरा भर दिया पेंटिंग्स से। दैट इज कॉल्ड होर्ड पेंटिंग्स। ओके, वॉट इज आवर नेक्स्ट वर्ड? आवर नेक्स्ट वर्ड इज एम्ब्रॉयल। एम्ब्रॉयल एक वर्ब है जिसका मीनिंग हिंदी में होता है उलझाना। ओके, एम्ब्रॉयल एक वर्ब है जिसका मीनिंग हिंदी में होता है उलझाना। इन इंग्लिश यू कैन से टू इन्वॉल्व इन कॉन्फ्लिक्ट और डिफ़िकल्टीज। तो किसी कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो जाना, दैट इज़ किसी कॉन्फ्लिक्ट में मतलब झगड़ा में या मारापीटी में इन्वॉल्व हो जाना, दैट इज़ कॉल्ड एम्ब्रॉयल। ओके, सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं इनमेश, इनस्नेयर, इनस्नार्ल्ड, इनटैंगल। ये सारे एम्ब्रॉयल के सिनोनिम्स हो सकते हैं। एंटोनिम्स हो सकते हैं इमेंसिपेट, लिबरेट, एक्लिमेट, रिलीव। ये सारे एंटोनिम्स हो सकते हैं। हाउ टू यूज एम्ब्रॉयल इन अ सेंटेंस? आई अवॉइडेड माई टू बेस्ट फ्रेंड्स बिकॉज आई डिड नॉट वॉन्ट टू गेट एम्ब्रॉयल्ड इन देयर डिस्प्यूट। तो मैंने अपने दो बेस्ट फ्रेंड्स को अवॉइड किया क्योंकि मुझे किसी डिस्प्यूट में उलझना नहीं था। ओके, मुझे किसी डिस्प्यूट में उलझना नहीं था, इसीलिए मैंने अपने दोनों बेस्ट फ्रेंड्स को अवॉइड किया। ऑल राइट, सो वॉट इज़ आवर लास्ट वोकैब? लेट्स सी, नंबर 10 इज लोध। लोध जो है ये एक वर्ब है जिसका मीनिंग हिंदी में होता है घृणा करना। इन इंग्लिश यू कैन से टू हेट समवन और समथिंग इज कॉल्ड लोथ। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं डिस्पाइस या फिर डिटेस्ट। एंटोनिम्स हो सकते हैं एडमायर या फिर अडोर। ओके, हाउ टू यूज लोथ इन अ सेंटेंस? आई लोथ हैविंग टू सिट इन द वेटिंग रूम फॉर आवर्स। तो घंटे के बाद घंटा मुझे वेटिंग रूम में बैठे रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं उसको घृणा करती हूँ, मैं इस चीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं करती। आई लोथ, दैट मीन्स मैं घृणा करती हूँ, मैं पसंद नहीं करती। आई लोथ हैविंग टू सिट इन द वेटिंग रूम फॉर आवर्स। मुझे वेटिंग रूम में घंटे के बाद घंटा बैठे रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। राइट, so this is our last idiomatic expression. Let us see what is it. This is again a food idiom. ये फिर से एक food idiom है। क्या है idiom? Let's see. Peach fuzz. Okay, peach fuzz. Peach fuzz का meaning क्या होता है? Small amount of hair growth. So peach is a fruit, we all know that, right? So what is the meaning? Small amount of hair growth. मतलब सर पे बहुत कम बालों का growth है, बाल बहुत कम है, that is called a peach fuzz. Okay? Now how to use it in a sentence? Let's see. Except for a bit of peach fuzz, the baby came out bald. So जो बच्चा जन्म लिया है, baby came out, तो बच्चा जो है उसके सर पे बहुत कम बाल है एंड बोला जा सके तो वो बॉल्ड ही निकला है। मतलब उसके सर पे बिल्कुल बाल नहीं है। वी कैन कॉल हिम और हर दैट ही और शी, द बेबी, इट केम आउट बाल्ड एक्सेप्ट अ बिट ऑफ पीच फज। बस थोड़ा सा पीच फज उसके सर पे होगा। पीच फज मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ हेयर ग्रोथ। तो बहुत कम हेयर ग्रोथ है उसके सर पे, लगभग बोला जा सकता है कि द बेबी वॉज बाल्ड। ओके, मतलब बेबी इन हिंदी यू कैन से, इन हिंदी यू कैन से गंजा। ओके, गंजा और टकला, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, दैट इज़ अ पीच फज। मतलब बहुत कम हेयर ग्रोथ या फिर बहुत कम बाल सर पे। ऑल राइट, so with this we have ended our session. With this we have come to the end of our session. So guys, this was all about your top 10 vocabulary words. I hope you liked the session,
And if you are liking our sessions, then do comment in our videos and tell us how you are liking our sessions and how you want us to motivate you all and how you want us to update ourselves so that we can give you more fine topics, more fine things. All right, so if you like our videos, if you are liking the vocabulary sessions, then do comment in our videos and let us know please. एंड ज़रूर कमेंट करके हमें बताइए, हमें और प्यार दीजिए कमेंट करके. ओके, इससे हमें एक बूस्टअप भी मिलता है, हमें ये भी पता चलता है कि अपने खुद को कैसे और अपडेट करें ताकि और रिफाइंड चीज़ें आप तक पहुँचें. नाउ इफ़ यू लाइक आवर वीडियो, देन अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए हमारे वीडियो को. एंड अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए जिनको इन वीडियोज़ की ज़रूरत है. एंड यस, कमेंट कीजिए. और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, आज पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, देन डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. बेल आइकन को दबाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको सारे जो अपडेट्स हैं, सारे जो नए वीडियोस अगर पोस्ट होंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा. इसलिए बेल आइकन को दबाना बहुत ज़रूरी है. सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन. And yes, enjoy our videos and keep learning, keep studying with us. So no more for today. Let us see. Meet you next day. Meet you in the next session. And till then, take care. Goodbye.